नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार। मनीष कश्यप अब एक साल तक रहेंगे जेल में। बिहार में 50,000 पैन कार्ड धारक है संकट में। CBSE 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जल्द होगा जारी। रविंद्र जडेजा ने माही को लेकर कह दी बड़ी बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार। बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति को लेकर और साथ ही राज्य के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार की जा चुकी है। मालूम हो कि फिलहाल शिक्षा विभाग इस पर फाइनल टच देने का काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नियमावली मई के अंतिम सप्ताह अथवा जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। मालूम हो कि राज्य के उत्क्रमित स्कूलों में अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं। हालांकि शिक्षा विभाग अभी पद की जरूरत का आकलन कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में अभी तक जो लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति की जा रही थी, वह कोई औपचारिक नियमावली के आधार पर नहीं की जा रही थी। मनीष कश्यप अब एक साल तक रहेंगे जेल में। तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए कथित हिंसा मामले को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में तमिलनाडु की जेल में बंद मनीष कश्यप की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि अब ऐसी खबर चल रही है कि उन्हें 11 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि उन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए NSA को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि के द्वारा मुहर लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में 6 मई को आदेश के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक यह NSA 12 महीने तक लागू किया गया है। यानी कि अब अप्रैल महीने तक 1 महीने बीत जाने के बाद मनीष कश्यप को 11 महीने और जेल में रहने होंगे। मालूम हो कि मनीष कश्यप पर 5 अप्रैल को NSA लगाया गया था। CBSE 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जल्द होगा जारी। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के 10वीं व 12वीं बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि CBSE के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही 10वीं व 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही बोर्ड की ओर से 11 मई को रिजल्ट जारी करने वाली नोटिस को फेक बता दिया गया है। मालूम हो कि रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर अफवाहों या वायरल मैसेज पर ध्यान ना दें। जमीन दाखिल खारिज वसूली में राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। एक तरफ जहां बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन कार्रवाई का असर भ्रष्ट सरकारी कर्मियों पर नहीं पड़ रहा और इन मामलों में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। बता दें कि ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां अंचल कार्यालय में सूबे के विधि मंत्री डॉक्टर समीम अहमद के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जांच करने को लेकर जब ज्वाइंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम पहुंची, तो उन्हें जमीन दाखिल खारिज मामले में वसूली को लेकर राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार करना पड़ा। बता दें गिरफ्तार किए गए राजस्व कर्मचारी की पहचान रणधीर कुमार शर्मा है, जो प्रथम दृष्टया खैरवा पंचायत के राजस्व अधिकारी हैं। बता दें कि फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। पटना हाईकोर्ट ने 300 न्यायिक पदाधिकारियों का किया तबादला। पटना हाईकोर्ट के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग सहित विधि विभाग और संबंधित विभागों को अधिसूचना की कॉपी भेजकर इस बात की जानकारी दे दी गई है कि कोर्ट के द्वारा राज्य के कई जिलों में 3 साल से अधिक की अवधि पूर्ण करने वाले 300 से अधिक न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बता दें कि इन सब के अलावा 86 न्यायिक पदाधिकारियों को ACJM को दायित्व सौंप कर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही 7 ACJM स्तर के पदाधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 100 ADG रैंक के जजों को भी इधर उधर किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल कोर्ट भभुआ के 3 ADG रैंक के न्यायाधीश समेत कई अन्य का तबादला किया गया है। इसके साथ ही भागलपुर व नवगछिया के दर्जन भर न्यायिक पदाधिकारियों का भी तबादला किया गया। IAS IPS बनाने वाली कोचिंग संस्थान के कई ठिकानों पर रेड। बीते दिन केंद्रीय महकमा GST के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के कई कोचिंग संस्थानों पर रेड मारी गई, जो अधिकारी बनाने का दावा करते थे। मालूम हो कि बीते दिन की गई यह छापेमारी कोचिंग संस्थानों पर देर रात तक चली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस कोचिंग संस्थान में छापेमारी की गई है वह पटना के बोरिंग कैनाल रोड में कुमार टावर में मौजूद संस्थान है। मालूम हो कि संस्था के मुख्य कार्यालय के अलावा मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में मौजूद संस्थाओं की शाखाओं पर भी छापेमारी की गई। बता दें कि अब तक की छापेमारी में 5 करोड़
करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है और साथ ही यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि संस्थान से बड़ी संख्या में छात्रों को स्टेशनरी सामग्री और कई तरह के नोट्स या पाठ्य सामग्री सप्लाई किए जा रहे थे और इसके बावजूद इनके द्वारा GST जमा नहीं की गई है। फिलहाल छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों की जाँच चल रही है। नमामि गंगे सर्विस को लेकर 10 दिन में गाइडलाइन बनाने के निर्देश नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG और वर्ल्ड बैंक की संयुक्त टीम के द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों व पदाधिकारियों को दी गई जानकारी के अनुसार अब किसी ड्रेनेज की साफ सफाई नमामि गंगे के तहत मैनुअली नहीं की जाएगी बल्कि मशीन या मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के जरिए साफ किया जाएगा। वहीं अगर स्थिति बहुत खराब रहती है तो गाइडलाइन के तहत ड्रेनेज की साफ सफाई की जाएगी। बता दें कि इस गाइडलाइन को बनाने का निर्देश वर्ल्ड बैंक के द्वारा बुडको को दिया गया है। मालूम हो कि इससे जुड़े सभी कामों को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक की ओर से 10 दिनों का समय दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की टीम एक बार फिर 23 या 24 को निरीक्षण करने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचने वाली है। बिहार में 50,000 पैन कार्ड धारक है संकट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने के लिए कवायद तेज कर दी गई है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता लाई जाए। मालूम हो कि ऐसा होने की वजह से राज्य के 50,000 पैन कार्ड धारकों पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि अगर ये सभी पैन कार्ड धारक 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो उनके नंबर को रद्द कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अब तक राज्य के 50,000 पैन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है। इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोहरा या फर्जी नाम पता पर पैन कार्ड बनवा रखा है। अगर दिए गए आदेश के अनुसार लोगों के द्वारा 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया जाता है तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड को रद्द या अक्रियाशील कर दिया जाएगा। पटना की सड़कों पर कचरा फेंकना अब पड़ेगा महंगा। बिहार की राजधानी पटना के पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को बेहतर स्थान दिलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीते दिन बुधवार को निगम आयुक्त अमिनेश परासर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी के अनुसार इन तैयारियों के तहत लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा और साथ ही इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही पटना के किसी भी सड़क गली में कचरे फेंकने वालों को शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा। मालूम हो कि सड़कों पर कचरा ना फेंका जाए इसके लिए नोडल अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभियान 16 मई से 15 जून तक चलाया जाने वाला है। पत्नी के निधन की खबर सुन पति ने भी त्यागे प्राण। कई बार हम अपने चहेते लोगों की दूरी सह नहीं पाते, ठीक ऐसा ही एक मामला हमें बिहार के रोहतास के नासरीगंज थाना क्षेत्र के इटमिहां गांव में भी देखने को मिला है जहां अपनी पत्नी की मौत हो जाने के बाद पति को ऐसा सदमा लगा कि उसने भी 8 घंटे के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। दरअसल 60 वर्षीय तेतरी देवी का बीते बुधवार को निधन हो गया जिसके शोक में उनके 65 वर्षीय पति गंगा सिंह ऐसे सदमे में गए कि उनकी भी मृत्यु पत्नी की मृत्यु के 8 घंटे बाद हो गई जिसके बाद दंपति के पुत्र KV सिंह के द्वारा एक ही शिता पर दोनों को मुखाग्नि दी गई। मालूम हो कि तेतरी देवी कुछ समय से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था और इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुन उनके पति गंगा सिंह की भी तबीयत बिगड़ने लगी लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। रोहिणी आचार्य ने शेयर की लालू राबड़ी के साथ तस्वीर। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने विरोधियों पर तंज कसती नजर आते रहती हैं लेकिन आज यानी कि गुरुवार की सुबह उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य के द्वारा लिखा गया है माई डेली रिचुअल, हर सुबह माँ पापा के दर्शन और आशीर्वाद के साथ। बता दें कि रोहिणी आचार्य के द्वारा जैसे ही पोस्ट शेयर किया गया वैसे ही कमेंट बॉक्स पर उनकी तारीफ करने वालों की लाइन लग गई। मालूम हो कि एक यूजर लिखता है कि भगवान आपकी जैसी बेटी हर माँ बाप को दे तो वही दूसरा यूजर लिखता है परम सौभाग्यशाली बिटिया के सौभाग्यशाली माता पिता। उद्धव ठाकरे से मिले CM नीतीश कुमार। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की जीतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि इसी कोशिश के तहत आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे जहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद CM नीतीश के द्वारा एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा गया कि अब केंद्र देश के इतिहास को बदल रही है इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लेकर आए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्द ही इसको लेकर एक बैठक भी की जाएगी। बता दें कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए CM नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे।
तेज प्रताप यादव को उनकी पत्नी लौटाएंगी पैसे। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बहू ऐश्वर्या राय के रिश्ते में खटास आने के बाद फिलहाल वे दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय अपने भरण पोषण के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंची थी और वहां अपील दायर की गई थी, लेकिन उनको पटना हाईकोर्ट जाना महंगा पड़ गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी बजंत्री और जस्टिस अरुण कुमार झा के द्वारा इस मामले को लेकर ऐश्वर्या राय पर सख्त टिप्पणी दी गई है और साथ ही अब ऐश्वर्या राय को पैसे मिलने के बजाय उन्हें तेज प्रताप को पैसे देने होंगे। बता दें कोर्ट के द्वारा ऐश्वर्या राय की अपील को खारिज कर दी गई है और यह आदेश दिया गया है कि ऐश्वर्या राय उस राशि को वापस कर दे जो उन्हें भरण पोषण के तौर पर ज्यादा दी गई थी। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा निचली अदालत को आदेश दिया गया कि वे अगले 3 महीने के अंदर ऐश्वर्या राय से जुड़े घरेलू हिंसा व तलाक के मामले को निष्पादित करें। रविंद्र जडेजा ने माही को लेकर कह दी बड़ी बात। बीते दिन आईपीएल के 16वें सीजन के 55वें मुकाबले में अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स को 27 रनों से मात दे दी गई। वही मैच के बाद जब आधिकारिक प्रसारक जियो द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रविंद्र जडेजा के द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी बात कह दी गई है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वह ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं नीचे के क्रम में बल्लेबाजी करने जाता हूं तो वे माही भाई का नाम लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ऊपर के क्रम में जाता हूं तो वे मेरे आउट होने का इंतजार करेंगे, इसलिए जो हो रहा है वह अच्छा है और मुझे खुशी है कि हमारी टीम लीग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, राहुल कुमार, सुशील कुमार मोदी, नुन्नू कोलू कुमार, पीके पासवान, बाबूलाल मरांडी, सुशील कश्यप, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, पवन सिंह, रवि कुमार राम, मोटू रंगीला, के सिन्हा, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है IPL 2023 में अब तक हुए मैचों में सभी टीमों के प्रदर्शन को देखते हुए आपके अनुसार कौन सी टीम चैंपियन बन पाएगी। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।